sari ga ri ga ba ga ba ni sa pa ni sa ga ri sa ni 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 ba 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 da 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 ri ri re sari sa ni sa. वेलकम बैक फ्रेंड्स टू दीपशिखा म्यूजिक. और आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे दो रागों के बारे में जो कि थोड़ा एडवांस लेवल स्टूडेंट्स के लिए है, एकदम एडवांस लेवल के लिए नहीं है, लेकिन हाँ जो मध्यमा के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये दो रागों को जानना बहुत जरूरी है. एक्चुअली एक राग को अगर आप जान लेंगे तो दूसरा राग अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दूसरा राग इस पहले राग का संप्रकृति राग है. तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आसावरी राग के बारे में और जौनपुरी राग के बारे में. लेकिन आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस एंड डू लीव ए कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, एंड यू कैन ऑल्सो एक्सेस माई कोर्सेज ऑन डिफरेंट टीचिंग प्लेटफॉर्म्स. तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आसावरी राग के बारे में और फिर हम डिस्कशन करेंगे जौनपुरी राग के बारे में. तो आसावरी राग ये जो है एक बहुत ही सुमधुर राग है, बहुत ही मेलोडियस राग है. और अगर आप इसकी स्वर संरचना देखेंगे तो इसमें सा रे मा पा धा मैंने सिंपली इसका एक आरोह और अवरोह गाया है. तो आप देख सकते हैं कि इसमें आरोह में गंधार और निषाद स्वर है वो वर्जित है. सारे मापा धासा वर्जित है यानी कि नहीं लगते हैं. और अवरोह में आप देखेंगे तो हमने सारे स्वर लगाए. आरोह में जो धैवत है वो कोमल, और आप देखेंगे अवरोह में नी कोमल गंधार कोमल, यानी ओवरऑल इसमें गंधार धैवत और निषाद सुर कोमल लगते हैं. और इसकी जाति अगर आप देखेंगे तो ये एक औरव संपूर्ण जाति का राग है, क्योंकि आरोह में दो सुर छोड़े हैं और अवरोह हमने संपूर्ण लिया है. ये राग जो है आसावरी थाट का आश्रय राग है, यानी आसावरी एक थाट भी है और उसी के नाम पे पड़ा है, उसी के स्वरों से निकला है आसावरी राग. तो ये आसावरी थाट का आश्रय राग है. इस राग में वादी सुर है धैवत और संवादी है गंधार, यानी आप देखेंगे तो वादी जो है वो उत्तरांग में पड़ रहा है. तो ये एक उत्तरांग प्रधान राग है, उत्तरांग वादी राग है. तो थाट की जानकारी रखते हुए और राग में लगने वाले स्वरों की जानकारी रखते हुए हम ये कह सकते हैं और इस बात को सर्वसम्मति से माना गया है कि ये दिन के द्वितीय प्रहर का राग है. एक बहुत ही मधुर राग है. आइए चलते हैं, थोड़ा सा हम जानते हैं कि आसावरी राग को कैसे एक्सपैंड किया जाता है. तो आपको एक इसकी पिक्चर क्लियर होगी, इमेज क्लियर होगी कि कैसे हम आसावरी राग को बढ़ाते हैं. आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने जैसे कि पहले की वीडियोस में बताया कि वादी संवादी तो न्यास के सुर होते ही हैं. अपार्ट फ्रॉम वादी संवादी आप देखेंगे तो पंचम पे न्यास है, षड्ज पे न्यास है. इस तरीके से आसावरी राग को रचा गया है. अच्छा, आसावरी बहुत विलंबित में भी नहीं गाया जाता है. ये थोड़ा सा मतलब इसकी प्रकृति जो है वो मध्यम चंचल प्रकृति का राग है. ऑल दो इस राग में पैथोस भी बहुत है क्योंकि स्वरों का प्रयोग इस तरीके से हुआ है. मध्य लय के ख्याल उसमें या थोड़ा सा धीमा मध्य लय इसके ख्याल गाए जाते हैं. अच्छा, इसी से एक जो राग निकला है वो है जौनपुरी. वैसे तो कहा जाता है कि जौनपुर के हुसैन शर्की जो थे उनके द्वारा इस राग का निर्माण किया गया है. अब इस बात में कितनी सत्यता है वो कहना मुश्किल है, लेकिन जौनपुरी जो राग है वो बिल्कुल आसावरी का एक संप्रकृति राग है. और इन दोनों में वादी संवादी एक है, थाट एक है, गायन समय भी एक है, लेकिन स्वरों की जरा सा हेर फेर है जिससे कि आसावरी से जौनपुरी अलग हो जाता है. आसावरी में हमने मा बा दा दा सा
तरान में इस तरीके से गाया, जौनपुरी में बदनी सदापा इस तरीके से गाया जाता है। बाकी एग्जैक्टली ये आसावरी की तरह गाया जाता है। तो आप देखेंगे कि हमने क्योंकि नी का प्रयोग किया है तो सारे मा पदानी सा सानी दा मा मगरे सा, इस तरीके से आप स्वरों की जो स्थिति देख सकते हैं उससे इस राग को षाढ़व संपूर्ण की जाति में रखा जाता है, क्योंकि अब हमने नी का प्रयोग करा तो इसमें सिर्फ एक ही स्वर वर्जित हो गया आरोह में, जो कि है गंधार। आसावरी राग में कई बहुत ही प्रचलित बंदिशें हैं, जैसे कि अखिया लागे अखिया लागी, या फिर अरे मन समझ समझ पग धरी, ये बहुत ही प्रचलित बंदिशें हैं। और जौनपुरी राग में भी आप देखेंगे तो पारंपरिक बंदिश हैं, अब पायल बाजन लागी, ये जौनपुरी राग की बंदिशें हैं जो कि आप जरूर सीखिए। आसावरी राग का एक और संप्रकृति राग मान सकते हैं जिसे हम कहते हैं कोमल ऋषभ आसावरी। कोमल ऋषभ आसावरी को एग्जैक्टली आसावरी की तरह गाया जाता है, लेकिन उसमें रे कोमल कर दिया जाता है। सारे मा पदा पदा दा सादा पदा मा पगरे इस तरीके से ये एक अलग ही फ्लेवर का राग बनता है जिसे हम बोलते हैं कोमल ऋषभ आसावरी। तो आज के सेशन में हमने जाना कि कैसे आसावरी राग को एक्सपैंड किया जाता है और उसी के ही फ्लेवर में, उसी का एक संप्रकृति राग जौनपुरी, उसको कैसे हम अलग करते हैं आसावरी से और उसको कैसे हम एक्सपैंड करते हैं। अगेन जौनपुरी थोड़ा चंचल प्रकृति का राग है तो इससे भी वो थोड़ा आसावरी से अलग हो जाता है। और हमने एक और राग यानी कोमल ऋषभ आसावरी के बारे में भी आज जाना। तो आज के सेशन से रिलेटेड आपको जो को भी क्वेरीज है प्लीज डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो मिलते हैं आगे के फर्दर इन्फॉर्मेटिव सेशंस में, तब तक के लिए नमस्कार।